कर क्यों रहे हैं बताइए ना, क्या हका ले जा रहे हैं? हका के ले जा रहे हैं। हका के ले जा रहे हैं, कई रुपया देता है? अरे बताइए, कोई दिक्कत पैसा देता? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? जाहिर। कहाँ ले जा रहे हैं गाय को? लोग बोले क्या नाम हो भैया? क्या भैया, ये गाय सब कहाँ जा रहा है? झारखंड के गोड्डा से गौ तस्करी किस प्रकार बंगाल सप्लाई किया जाता है ये आप देख सकते हैं। हमारे पीछे जितने भी गाय आपको दिख रहे हैं, ये तमाम गाय जो है गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के पहले एक हाट लगती है, वहां से इन तमाम गायों को जो है आगे तस्करी करके ले जाया जाता है। आप देखेंगे कि सभी गाय के शरीर पर एक निशान दिया गया है, तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं, और इन गायों को गोड्डा से बंगाल सप्लाई किया जाता है, पशु तस्कर इसे हम कह सकते हैं। भैया कहाँ ले जाइएगा ये गाय? किरणपुर झारखंड। और वहाँ से? वहीं तक। और वहाँ से फिर कहाँ जाता है? वहीं तक जाएगा। अभी आप बता रहे थे बंगाल जाएगा। नहीं, कौन बोलता बंगाल, झारखंड। वहाँ पे क्या होता है? वहीं बिक्री होता है। यहाँ से पैदल ले जाते हैं? पैदल ले जाते हैं। तो आप लोग को कितना पैसा मिलता है? 1000। 1000 कौन देता है पैसा? व्यापारी लोग देगा। व्यापारी देता है? पुलिस ने पूछता है कहाँ ले जाते हैं? पुलिस जानता है, किरणपुर जाता है। वो जानता है, वो तो बंका हटिया से लाए, तो हटिया ही है। अच्छा, बंका हटिया से ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस भी इस पर रोक नहीं लगाती है, और ये लोग जो है जो इन गायों को पैदल यहाँ से हिरणपुर जो कि पाकुड़ में है वहां तक इन लोगों इन तमाम पशुओं को पैदल ले जाते हैं, और वहां से फिर जो है दूसरे व्यापारी इन्हें पकड़ते हैं और वो उन्हें पैदल रास्ते बंगाल ले जाते हैं। ये दूसरा जत्था गाय का है जो कि सुंदर पहाड़ी के हाटों से जो है हर हाट जो है बंगाल सप्लाई किया जाता है। हालांकि ये किस उद्देश्य से इस इन तमाम गायों को जो है झारखंड के गोड्डा से बंगाल ले जाया जाता है इसका कोई स्पष्ट पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन हम आपको तय जरूर बताएंगे कि ये तमाम जो गाय हैं इनका जरूर जो है पशु तस्कर कहा जाता है। ये आप गौवंश देख सकते हैं कि ये तमाम गौवंश जो है इसे हिरणपुर ले जाया जाएगा, और यहाँ से हिरणपुर जो है किसी बीच के आदमी के द्वारा इस तमाम गायों को ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी गाय हैं सभी के ऊपर जो है निशान लगा दिया गया है। ये तमाम जो है गौवंश का तस्करी जो है गोड्डा के झारखंड से हो रहा है, लेकिन अब तक जो है इस पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा सकता है। हम आपको बता दें, क्या नाम हो गया, क्या कहाँ ले जा रहे हैं गाय को? आप देख सकते हैं कि एक भी जो जितने भी पशु ले जाने वाले लोग हैं वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शक और सवाल दोनों पर होता है कि आखिर इन तमाम गौ को जो है कहां ले जाया जाता है, और इस पर अब तक जो है कोई भी प्रशासन नहीं ले जा रहे हैं। क्या नाम हो भैया? क्या भैया, ये गाय सब कहां जा रहा है? आप देख सकते हैं कि ये तमाम गाड़ियां हैं जिनके द्वारा जो है गाय को गाय की ठेकेदारी ली जाती है, यहाँ से गाय को खरीदा जाता है, और उसके बाद यहाँ के मजदूरों को जो है पैसे दिए जाते हैं जो कि यहाँ से पैदल गाय को हिरणपुर ले जाया जाता है, और इसके बाद हिरणपुर से दूसरे मजदूरों के द्वारा जो है उसे बंगाल सप्लाई किया जाता है। हालांकि किस वजह से इन तमाम पशुओं को इतने बड़े तादाद में हर हाट जो है गोड्डा से ले जाया जाता है इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं हुआ। आप देख सकते ये तीसरा जत्था है, कहाँ ले जा रहे हैं गाय को? हिरणपुर। क्या करने के लिए? अरे बात कीजिए, बात कीजिए, डरते क्यों हैं? हम लोग तो रहकर। अच्छा, डर क्यों रहे हैं बताइए ना, क्या कहाँ ले जा रहे हैं? हका के ले जा रहे हैं। हका के ले जा रहे हैं, कई रुपया देता है? अरे बताइए, कोई दिक्कत पैसा देता है कि नहीं? हाँ, देता है। तो डरते क्या है बताइए ना? देता है। आप देख सकते हैं कि इनके मन का दर्द देखकर आप समझ सकते हैं कि तमाम गायों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि इसका पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिला। भैया क्या नाम हुआ? जाहिर। कहाँ ले जा रहे हैं गाय को? लोग बोले। आप देख सकते हैं एक भी गौ जो ले जा रहे हैं वो कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है झारखंड के गोड्डा से लगातार हर हाट जो है गौ तस्करी किया जाता है, लेकिन इस पर जो है कोई भी रोक सरकार या फिर प्रशासन या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर सवाल नहीं उठाती है। तो ये तस्वीर थी जहां सुंदर पहाड़ी के बंका से हर हटिया जो है यहां से गौ तस्करी किया जाता है, और हजारों की संख्या में पशु जो है दूसरे जिला ले जाया जाता है, वहां से फिर दूसरे राज्य दूसरे देश ले जाया जाता है, और इस प्रकार जो है लगातार गोड्डा से पशु तस्करी हो रहा है, लेकिन बीच में इतने थाने पड़ते हैं, किसी भी थानों द्वारा इन्हें रोका नहीं जाता है या फिर इनकी पूछताछ नहीं की जाती है कि आखिर इन पशुओं को क्यों ले जाया जाता है। और अगर हम इसे पशु तस्करी नहीं कहेंगे तो फिर इनके इन्हें ले जाने वाले मजदूर कुछ भी कहने से मना क्यों कर रहे थे या फिर कुछ भी कहने से मुंह क्यों छपा रहे थे। तो ये एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर गोड्डा के बंका हाट से इस प्रकार हजारों की संख्या में हर हफ्ते जो है पशु कहां जा रहे हैं।